हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ माता राज राजेश्वरी के, जो कि पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, पट्टी रोणद रमोली में। और यहाँ पे इनका ये खूबसूरत सा मंदिर है माता रानी का। जैसे कि आपको पता है आज जो है नवरात्र जो है समापन है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु। और यहाँ से ना हमारा गाँव है 3 किलोमीटर, तो नज़दीक ही है, इसलिए मैं इस मंदिर में आया हूँ आज। और यहाँ वैसे मैं आता रहता हूँ। और यहाँ का व्यू अगर आपको दिखाऊँ चारों तरफ से, तो आप ये देख सकते हैं आजकल जो है यहाँ से पूरी धान की कटाई हो रखी है। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलूँगा और वहाँ पे जो है माता रानी के भी आप सभी लोगों को दर्शन करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मंदिर के अंदर आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे जो है माता रानी की मूर्ति जहाँ पे विराजमान है, उनके आपको दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है माता रानी का मंदिर यहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर आपको माता रानी के दर्शन करवाने के लिए। और यहाँ पे जो है यज्ञ हुआ है और अंदर है माता रानी की मूर्ति। और आपने दर्शन कर लिए होंगे दोस्तों माता रानी की मूर्ति के। और यहाँ पे ना माता रानी की डोली है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है माता रानी की डोली यहाँ पे। और अभी जो एक बार परिक्रमा करता हूँ मैं मंदिर के चारों तरफ। और ये वाली रोड आपको दिख रही है सामने, ये है उत्तरकाशी रोड। इस तरफ उत्तरकाशी जाएंगे और यहाँ से ना थोड़ा सा आगे एक रोड ऊपर को जाती है, जो जाती है केदारनाथ के लिए। और यहाँ से आया हूँ मैं पैदल वहाँ से। और यहाँ पे एक पुल है और यहाँ से जो है सीधे माता के मंदिर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु भी काफ़ी यहाँ पे आ रखे हैं बहुत दूर दूर से। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है पहाड़ी ढोल, ये देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं ढोल और इसको ऐसे बजाते हैं। तो यहाँ से ना ये सीढ़ी है, यहाँ से आए हम अभी ऊपर। और यहाँ पे एक गांव है, इस गांव का नाम क्या है, ये गांव का नाम क्या है सामने, ये रमोली गांव है दोस्तों, रमोली, ये है रमोली। रमोली भाई जी, तुम कह गाँव का? हम गरवाण गाँव भाई जी। गरवाण गाँव, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जय माता दी जरूर लिखना कमेंट में। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।